हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाथ, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ नए वीडियो के साथ। हमारा वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है, व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको समझते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो भी एक्शन हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, तो मतलब फ्यूचर में वो एक्शन हम कर रहे होंगे कंटिन्यूअस होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, अभी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का हुआ। मैं अंग्रेजी पढ़ा रही होंगी, मतलब फ्यूचर में भी मेरी अंग्रेजी पढ़ाने की जो एक्शन है वो चालू होंगी, कंटिन्यूअस होंगी, इसी को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलेंगे। जस्ट लाइक मैं कॉलेज जा रहा होऊंगा, मैं खाना बना रही होंगी, मैं अंग्रेजी बोल रही होंगी, तो ऐसे कुछ सेंटेंस है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस से बिलोंग करते हैं। तो ये तो आपको पता है, आज हम इसकी फॉर्मेशन के जरिए हम सीखेंगे कि फॉर्मेशन से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। उसके बाद ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो सिंपल सेंटेंस है कि जो मैंने अभी बताया कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रही होंगी, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, ओके, तो ये एफर्मेटिव का सेंटेंस है। वही एफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंट्रागेटिव बनाएंगे, मतलब उसका क्वेश्चन पूछेंगे। जब भी हम कुछ लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, क्वेश्चन भी पूछते हैं, नेगेटिव भी सेंटेंस होते हैं और नेगेटिव इंट्रागेटिव भी होते हैं। समटाइम हम WH का यूज करके भी सेंटेंस बोलते हैं, मतलब ऑल टाइप के सेंटेंस जो फ्यूचर कंटिन्यूअस से बिलोंग करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, तो ये जो दोनों जो फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो सेम है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद शैल या फिर विल का यूज करना पड़ेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप यूज करेंगे बी, देन वी प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब को आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हैं, वी फॉर भी बोल सकते हैं, और देन आएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिया है कि मैं गाड़ी चला रही होंगी, मतलब फ्यूचर में मेरी गाड़ी चलाने की जो एक्शन है वो चल रही होंगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले है सब्जेक्ट, मतलब आई, मैं, उसके बाद विल, यहाँ पे आई के बाद आप शैल का भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे विल का यूज किया है। आई विल बी ड्राइविंग, अभी मेन वर्ब क्या है, ड्राइव, उसी को अगर आई एन जी लगाएंगे तो वो हो जाएगा ड्राइविंग अ कार इज अ ऑब्जेक्ट। सो मैं गाड़ी चला रही होंगी, आई विल बी ड्राइविंग अ कार, ओके। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम कॉलेज जा रहे होंगे, फ्यूचर में हम कॉलेज जा रहे होंगे, सो हम में सब्जेक्ट आएगा वी, वी के बाद विल, वी विल बी गोइंग टू कॉलेज। यहाँ पे गो मेन वर्ब है, उसको आईएनजी लगाते ही वो बन जाएगा गोइंग, ओके। कंटिन्यूअस जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके लिए हमें कंपलसरी वी फोर या फिर वी आई एन जी का ही यूज करना होता है। सो हम कॉलेज जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग टू कॉलेज, ओके। ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस। देन अभी हम देखेंगे इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव मतलब क्वेश्चन, ओके। तो इसी सेंटेंस का क्वेश्चन भी हमें बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये जो शैल विल हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस के सेकंड में हमने लिया है, वो अगर हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लेंगे तो वो इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाता है। जस्ट लाइक शैल विल सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बी, देन वी आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंट्रागेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं गाड़ी चला रही होंगी, तो यहाँ पे क्या लगाना है कि क्या मैं गाड़ी चला रही होंगी, यहाँ पे विल स्टार्टिंग में लेंगे, विल आई बी ड्राइविंग अ कार, ओके।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हम कॉलेज जा रहे होंगे? विल वी बी गोइंग टू कॉलेज? ओके, जैसे ही हमने क्वेश्चन बनाया तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आना है. देन आएगा नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि किसी सेंटेंस में नो, नथिंग, नेवर, ऐसे जो नॉट, ऐसे जो वर्ड आते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. कि अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कोई भी एक्शन आप फ्यूचर में नहीं कर रहे होंगे तब ये नेगेटिव आएगा. जस्ट लाइक यहाँ पे फॉर्मूला में क्या चेंजेस है, खाली हमें शैल विल के बाद नॉट का यूज करना है. जब भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा तैयार हो जाएगा. सो वे गाड़ी नहीं चला रही होंगी. ओके, तो यहाँ पे नहीं है. सो आई वोंट बी ड्राइविंग अ कार. अभी यहाँ पे वोंट बी क्या है, सो इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट. विल नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम वोंट बोलेंगे. तो शॉर्ट फॉर्म ही यहाँ पे यूज करना है कि मैं गाड़ी नहीं चला रही होंगी, सो आई वोंट बी ड्राइविंग अ कार. ओके, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब नेगेटिव में भी हमें क्वेश्चन बनाना है. क्या है वो, क्या मैं गाड़ी नहीं चला रही होंगी, तो ये वोंट सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करना है. वोंट आई बी ड्राइविंग अ कार. ओके, सबसे पहले शैल विल प्लस नॉट मतलब वोंट जैसे कि हमने लिया है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब को आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है कि हम कॉलेज नहीं जा रहे होंगे, वी वोंट बी गोइंग टू कॉलेज, वी विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज. और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या हम कॉलेज नहीं जा रहे होंगे, वोंट वी बी गोइंग टू कॉलेज. दोनों एग्जाम्पल ये जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअसली बिलोंग करते हैं, खाली हमने उसका सब्जेक्ट और वर्ब चेंज किया है. और लास्ट में हम देखेंगे कि WH का यूज करके भी हम इसको बना सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि मैं गाड़ी क्यों नहीं चला रही होंगी, क्यों मीन्स वाई. ओके, सो वाई वोंट आई बी ड्राइविंग अ कार, मैं गाड़ी क्यों नहीं चला रही होंगी, वाई वोंट बी आई ड्राइविंग अ कार. ओके, देन यहाँ पे हम कॉलेज नहीं, क्या हम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे होंगे, क्यों मतलब वाई. सो वाई वोंट वी बी गोइंग टू कॉलेज. अभी देखिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम कॉलेज जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग टू कॉलेज. क्या हम कॉलेज जा रहे होंगे, विल वी बी गोइंग टू कॉलेज. हम कॉलेज नहीं जा रहे होंगे, वी वोंट बी गोइंग टू कॉलेज. क्या हम कॉलेज नहीं जा रहे होंगे, वोंट वी बी गोइंग टू कॉलेज. हम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे होंगे, वाई वोंट वी बी गोइंग टू कॉलेज. मतलब ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस की जो अफर्मेटिव है, आपको तो ये तो तय है कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डेफिनेटली समझ आया है, तो ऐसे ही सेंटेंस आपको अफर्मेटिव में बनाने हैं, उसके क्वेश्चन बनाने हैं, नेगेटिव देन क्वेश्चन एंड WH का यूज करके भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस ईजीली बना सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.